कल और परसों अर्थात 9 और 10 अगस्त को झारखंड राजधानी रांची में विश्व आदिवासी दिवस का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। इसकी सारी तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही हैं और अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है और कल इस सारी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके विटनेस के रूप में, जिसके दीदार के रूप में पूरे राज्य के कोने कोने से लोग आने वाले हैं। कुल मिला के कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ ऐसी है कि इसे 3-4 भागों में रखा गया है। मुख्य कार्यक्रम है जिसमें कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के द्वारा अपने गायन नृत्य कलाओं की प्रस्तुति कराई जाएगी, जिसका कि अवलोकन बने हुए मेन स्टेज पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त एग्जीबिशन के माध्यम से जितने भी राज्य में विभिन्न आदिवासी संस्कृतियों का रूपरेखा, उनका प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, तो उसका पूरा का पूरा व्यवस्था कराया जाएगा, जिसमें कि आने वाले सभी लोग यहाँ बन रहे विभिन्न आयामों को देख सकते हैं, यहाँ उत्पादित हो रहे विभिन्न प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, उनके महत्व को समझ सकते हैं और यहाँ से चाहें तो खरीद कर ले भी जा सकते हैं। इसके बाद फूड कोर्ट में यहाँ बनने वाले सभी आदिवासी व्यंजनों का भी सिंपोजियम कराया जा रहा है। विभिन्न जिलों से लोग आकर अपने अपने क्षेत्र में जो भी स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं उसका भी यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, उसका भी आनंद सभी लोग उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिंपोजियम्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स, पब्लिक डिस्कशंस के माध्यम से भी आज के दिन में जितने भी आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हुए व्याख्यान हैं, उनसे जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, उस पर एक्सपर्ट्स लोगों की राय ली जाएगी। उसमें एक्सपर्ट्स अपने अपने डायमेंशंस के अंतर्गत अपने ओपिनियंस देंगे, मेजर विचार विमर्श होगा और आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में नए नए एडवाइसेस, नए नए सुझाव क्रिएट किए जा सकते हैं, नए सुधार किए जा सकते हैं, मेन स्ट्रीम में और कैसे लाया जा सकता है, उन सब पर परिचर्चाएँ होंगी। तो यह 2 दिनों में हम यहाँ पे मेजर प्रोग्राम्स देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और इस पूरे आयोजन के प्रतिभागी बनेंगे, इसका विटनेसिंग करेंगे, इसमें आकर अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित कराएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। TRI के द्वारा काफी सारे पुस्तकों का यहाँ पे लोकार्पण कराया जा रहा है और पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक डाक टिकट का भी लोकार्पण किया जाएगा, जो कि 9 अगस्त को मान्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में रहेगा। इसमें बहुत ही नामचीन कलाकारों की उपस्थिति होने जा रही है। मैं कुछ लोगों के बस नाम लेना चाहूँगा, श्रीमती मोनिका मुंडू जी, पद्मश्री मुकुंदलाल नायक जी, राजेश बड़ाइक जी, तपन पटनायक जी और भी इनमें कई एक सारे नाम हैं, उसके पूरे डिटेल्स आपके पास मौजूद रहेंगे। देखिए, खास तौर पर अगर हम लोग कल की बात करें तो कुछ रैलियों के भी निकाले जाने का की सूचना है, तो उसको लेकर भी मुख्य सड़क मेन रोड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग फोर्सेज की डेकोरेशन कर रहे हैं और ट्रैफिक के भी अतिरिक्त इंतजाम रहेंगे। कार्यक्रम स्थल की खास तौर पर अगर हम लोग बात करें तो कार्यक्रम स्थल पर तो जो डिफरेंट सेक्टर्स बनाए गए हैं वो अपनी जगह पर हैं, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट और फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट रहेगी। साथ ही साथ फ्रिस्किंग की प्रॉपर अरेंजमेंट रहेंगी कि जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है वो फ्रिस्क होकर के ही आए, और अंदर में चूँकि ये कार्यक्रम स्थल बड़ा है, कई तरीके की चीज़ें हैं, फूड कोर्ट है, एग्जीबिशन हॉल है, जेल म्यूजियम है, मुख्य सभा स्थल है, तो उन सभी जगहों को अलग अलग हम लोगों ने पदाधिकारियों को वहाँ प्रतिनियुक्त किया है, बलों को प्रतिनियुक्त किया है। बट अगर हम लोग कार्यक्रम स्थल के बाहर की बात करें तो वो चाहे ईस्ट जेल रोड हो या फिर आपको लाइन टैंक रोड हो, ये 2 सड़कें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी सामान्य तौर पर जो लोग आ रहे हैं वो सभी लाइन टैंक रोड से, और जो बेसिकली महानुभावों का जो आगमन होगा वो इस जेल रोड से होगा, तो दोनों ही रोड्स को कुछ समय के लिए ब्लॉक भी किया जाएगा। उसके संदर्भ में अखबार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग वो प्रसारित भी कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बड़ी संख्या में और जो लोग यहाँ पर शिरकत करने के लिए आएंगे, वो चाहे छोटी गाड़ियों से आएँ चाहे बड़ी बसों से आएँ, उन सब को लेकर के पार्किंग स्थलों को स्पेसिफिक चिन्हित किया गया है। कुछ अंडरग्राउंड पार्किंग है, कुछ ट्रेकर स्टैंड है, कुछ हम लोगों ने जो साइंस ब्लॉक है वहाँ की भी पार्किंग को यूज़ करेंगे। आपादी परिस्थिति में हम लोगों ने मोरावादी को भी रखा हुआ है कि अगर गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ भी गाड़ियों को पार्क किया जाए। इसके अलावा इसके चारों ओर ही
जो ट्रैफिक के हम लोग डाइवर्टेड रूट्स हैं, जो भी डाइवर्जेंस हैं, वो मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े।